गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर ईवीएस बुक चैप्टर 3। चैप्टर नेम इज सेलिब्रेशन इन द स्कूल। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज नेशनल फेस्टिवल्स, सेकेंड पॉइंट इज चिल्ड्रंस डे, थर्ड इज टीचर्स डे, फोर्थ इज स्पोर्ट्स डे, एंड लास्ट वन इज एनुअल फंक्शंस। Okay, let's start one by one. First, you see national festivals. A community is a group of people who share many things in common. जैसे हम एक समूह को एक संगठित होते हैं, उस ग्रुप को, उस ग्रुप में रहने वाले पीपल जो होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत कुछ चीज़ों को कॉमन तौर पर वो बांटते हैं। अब स्कूल इज ऑल्सो अ कम्युनिटी, हमारे स्कूल भी एक समूह ही है। वी वर्क टुगेदर फॉर कॉमन गोल्स एंड सिंग कलेक्टिवली ऑन वेरियस ओकेशन इन द स्कूल। तो हम क्या है, एक साथ काम करते हैं, हमारे एक ही गोल होता है, और फिर हम एक साथ क्या करते हैं, अलग अलग ओकेशन में हम क्या है, एक साथ सिंग भी करते हैं। दिस कलेक्टिव सिंगिंग इज कॉल्ड कम्युनिटी सिंगिंग। तो ये जो एक साथ सामूहिक रूप से हम जो सिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, समुदाय सिंग। कम्युनिटी सिंगिंग गिव अस ए फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस एंड यूनिटी। जो कम्युनिटी सिंगिंग सामूहिक रूप से हम सिंगिंग करते हैं, वो हमें फील करता है कि हम सभी में क्या है, एकता है, हमें यूनिटी है। एट स्कूल वी सिंग द मॉर्निंग प्रेयर, द नेशनल एंथम एंड द नेशनल सॉन्ग टुगेदर एवरी डे। तो जैसे हम स्कूल जाते हैं मंडे को, संडे में हमारी छुट्टी होती है, मंडे को स्कूल हम जाते हैं, तो हमें सुबह सुबह हमारे मॉर्निंग प्रेयर होता है, उसमें हम सारे जो भी हैं हमारे सॉन्ग वगैरह हम गाते हैं, हमारी जो जी के क्वेश्चन वगैरह वो पूछते हैं हम, और जो भी हमारे होते हैं कार्यक्रम होने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें नेशनल एंथम लास्ट में हम गाते हैं, नेशनल सॉन्ग भी गाते हैं, डेली हम गाते हैं, और फिर सारे एक साथ उसको हम गाते हैं। थ्रू कम्युनिटी सिंगिंग चिल्ड्रन लर्न टू बी यूनाइटेड एंड पैट्रियोटिक। तो इसलिए क्या है, जो कम्युनिटी सिंगिंग है, तो चिल्ड्रन बच्चे क्या करते हैं इसको, यानी कि उनमें एक समानता का भाव होती है, और फिर ये जो पैट्रियोटिक होता है या देशभक्तिपूर्ण एक उद्देश्य का मन में एक क्या होता है, भावना आता है। कम्युनिटी सिंगिंग शुड बी एनकरेज्ड इन द स्कूल। ये कम्युनिटी सिंगिंग जो होते हैं, समुदाय रूप से, सामूहिक रूप से हम जो भी सिंगिंग करते हैं, वो हमें प्रोत्साहित करता है, हमें हमारे हिम्मत को वो बढ़ाता है स्कूल में। अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग टुगेदर वी ऑल्सो सेलिब्रेट अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स एंड ओकेशंस इन द स्कूल, सम ऑफ देम आर। तो ये क्या है, हमारे एक पार्ट है जो हम एक साथ रह के है ना, एक तो अलग अलग चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग फेस्टिवल को, अलग अलग ओकेशन को हम स्कूल में क्या करते हैं, एक साथ मिल के उसको मनाते हैं। तो कुछ है, हम देखेंगे क्या क्या स्कूल में हम क्या क्या मनाते हैं। पहला है नेशनल फेस्टिवल। तो हम जानते हैं कि हमारा मेनली 3 नेशनल फेस्टिवल होता है, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। नेशनल फेस्टिवल्स लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर सेलिब्रेटेड इन द स्कूल विथ ए लॉट ऑफ एंथुसिएज्म। तो एक उमंग और उत्साह के साथ ये तीनों को हम मनाते हैं। जब इंडिपेंडेंस डे आते हैं तो सुबह सुबह उठ के हम तैयार हो जाते हैं, और हमारे हाथ में फ्लैग होती है, और लेके हम आते हैं स्कूल में, और बहुत उत्साह के साथ उसको हम मनाते हैं, चाहे वो रिपब्लिक डे हो या चाहे गांधी जयंती। ऑन इंडिपेंडेंस डे द प्रिंसिपल होस्ट्स द नेशनल फ्लैग एंड द चिल्ड्रन सिंग द नेशनल एंथम। तो ये फ्लैग होस्टिंग करते हैं कौन, हमारे प्रिंसिपल स्कूल में, और फिर उसके बाद क्या है, चिल्ड्रन क्या करते हैं, नेशनल एंथम को गाते हैं, जन गण मन। वेरियस
कल्चरल प्रोग्राम्स आर आल्सो ऑर्गेनाइज ऑन दीज ओकेजंस, तो उस दिन क्या है बहुत कल्चरल प्रोग्राम का भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। वी रिमेंबर आवर फ्रीडम फाइटर एंड पे ट्रिब्यूट टू देम ऑन दिस डे बाय सिंगिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। तो इस दिन जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं, जो मर गए हैं हमारे देश के लिए, अपने जान को कुर्बान किए हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनके लिए पैट्रियोटिक सॉन्ग भी हम गाते हैं। चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस डे ये बच्चों का होता है और बच्चे बहुत खुशी मनाते हैं इस दिन में। तो ये चिल्ड्रंस डे कब आते हैं, हर साल में ऑन 14th November द बर्थडे ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इज सेलिब्रेटेड ऑन चिल्ड्रंस डे। हर साल 14 नवंबर को आती है ये चिल्ड्रंस डे और इस दिन क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो सेलिब्रेट हम करते हैं चिल्ड्रंस डे के रूप में। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया के। ही वॉज ए ग्रेट लीडर एंड हैड इमेंस लव फॉर चिल्ड्रन। तो वो अत्यधिक रूप से क्या करते हैं बच्चों को वो प्रेम करते थे, उनको बहुत पसंद था बच्चे। चिल्ड्रंस कॉल हिम चाचा नेहरू, तो इसीलिए बच्चे क्या उनको चाचा नेहरू बुलाते थे। इन स्कूल्स वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज ऑन दिस डे। इस दिन में क्या बहुत तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्राइजेस गिफ्ट्स एंड स्वीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। तो इन दिनों में बच्चों को बहुत एक्टिविटीज़ हम कराते हैं और फिर उनको प्राइज देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और मिठाई वगैरह भी उनको बांटते हैं हम। इट इज़ ए डे ऑफ फन एंड एन्जॉयमेंट। तो ये दिन एक बहुत खुशी का दिन है और फिर हम एक साथ मिलकर बहुत एन्जॉयमेंट करते हैं। टीचर्स डे, टीचर्स डे टीचर के लिए होता है। आगे देखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आवर सेकेंड प्रेसिडेंट वॉज अ ग्रेट टीचर एंड वॉज अ रेस्पेक्टेड बाई हिज स्टूडेंट्स एंड अनदर अलाइक। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है सेकेंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के और ग्रेट टीचर भी थे और उनको हम रेस्पेक्ट देते हैं स्टूडेंट्स, है ना, सारे स्टूडेंट्स मिलके हम उनको क्या करते हैं बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। हिज बर्थडे ऑन बाय सेप्टेम्बर 5 इज सेलिब्रेटेड अस टीचर्स डे एवरी ईयर। तो उनका जो बर्थडे है हर साल 5 सितंबर को आती है और उन्होंने बोले कि मेरे ये जो बर्थडे को टीचर्स डे के रूप में आप लोग मनाना और बहुत तो सम्मान भी करते थे टीचर्स को। ऑन दिस डे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज गेम्स एंड पार्टीज फॉर दे टीचर्स। तो इस दिन क्या है बच्चे क्या करते हैं टीचर्स के लिए गेम्स अरेंजमेंट करते हैं, पार्टीज अरेंजमेंट करते हैं। दे आल्सो थैंक देयर टीचर्स फॉर टीचिंग एंड गाइडिंग देम। तो और फिर टीचर्स को अपनी जो भी मैम लोग होते हैं, सर होते हैं, उनको वो थैंक्स बोलते हैं कि आपने हमें अच्छे से सिखाया, हमें पढ़ाया, हमें गाइड किए। कोई कोई बच्चे बहुत बदमाश होते हैं स्कूल में, फिर टीचर्स प्यार से उनको समझाते हैं और सही रास्ता में लेके आते हैं और बच्चे भी टीचर्स की बात को मान लेते हैं। On this day, some teachers are also given awards and prizes for their outstanding work in the field of education. और कुछ टीचर को जो अच्छे पढ़ाते हैं, उनकी स्वभाव अच्छी होती है, पूरे साल अच्छे से वो रहते हैं, बच्चों के साथ मिल के रहते हैं, बच्चों की सुख दुख का सहभागी होते हैं वो, ऐसे सारे टीचर्स को क्या मिलता है प्राइज और उनको अवार्ड भी दिया जाता है। स्पोर्ट्स डे, बच्चे ज़्यादा स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी होना ज़रूरी है। ओनली पढ़ाई पढ़ाई में बच्चे बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर हम उनको गेम खिलाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। स्पोर्ट्स डे इज़ ए बिग इवेंट इन स्कूल्स। तो ये स्पोर्ट्स डे स्कूल में होती है, आयोजित किया जाता है सार्वजनिक तौर पर। मैनी इवेंट्स एंड रेसेस आर ऑर्गेनाइज ऑन दिस। अलग अलग खेल वगैरह यहाँ पे होती है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, रेस वगैरह होती है, यानी कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक जो भी खेल खेल पाते हैं वो सारे खेल की क्या है ऑर्गेनाइज किया जाता है। वी टेक पार्ट इन वेरियस कंपटीशन भी होती है उसमें, स्कूल क्लास वाइज होती है और छोटे बच्चे बड़े बच्चों में भी कंपटीशन होती है और जो उसमें जीतता है उसको वो प्राइज़ देते हैं।
करते हैं। वी ऑल्सो चीयर फॉर आवर फ्रेंड फ्रेंड्स एंड आवर टीम, हम बहुत खुश होते हैं हमारे दोस्तों के साथ मिलकर, हमारे टीम के साथ हम मिलकर बहुत खुश होते हैं और हम गेम खेलते हैं। बिफोर द कॉम्पिटिशन्स स्टार्ट टीम मेंबर्स ऑफ ऑल द हाउसेस मर्ज टुगेदर, तो जैसे खेल शुरू होने से पहले क्या होता है, सारे टीम हाउस के क्या है एक साथ मर्ज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो गेम को स्टार्ट करना है। देन सम कल्चरल प्रोग्राम्स आर प्रेजेंटेड, और कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी होता है। इट इज़ ए डे ऑफ फन एंड फॉलिक, तो ये दिन क्या है, बहुत आनंद पूर्वक और उल्लास और खेल कूद करने का बहुत आनंदपूर्ण और उल्लास का दिन होता है। लास्ट हम देखेंगे एनुअल फंक्शन, तो ये हर साल ये क्या होते हैं, हर एक स्कूल में एनुअल फंक्शन होती है। बच्चे के जैसे एग्ज़ाम वगैरह हो गई है ना, बच्चे सारे पढ़ाई उनका हो गया, तो बच्चों को कुछ डांस वगैरह वो सिखाते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं और स्टेज में बच्चे अपने परफॉर्म करते हैं। दिस इज़ ए ग्रैंड सेलिब्रेशन इन स्कूल्स, ये बहुत बड़ा क्या है त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है, स्कूल में बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया जाता है। इन सम स्कूल्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पेरेंट्स डे, और कुछ स्कूल्स होते हैं इसको क्या बुलाते हैं, इस एनुअल फंक्शन का नाम क्या देते हैं, पेरेंट्स डे, यानी कि जो हमारे अभिभावक का दिन। ऑन दिस डे वी इन्वाइट आवर पेरेंट्स टू द स्कूल, तो इस दिन हमारे माता पिताओं को हम बुलाते हैं स्कूल में। डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज आर प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ देम, बहुत कल्चरल एक्टिविटीज उनके सामने हम प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। पेरेंट्स फील्ड वेरी हैप्पी टू सी देयर चिल्ड्रन परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, जब ये परफॉर्म करते हैं बच्चे तो इसको देख के पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं, देखो देखो मेरी बेटी नाच रही है, देखो देखो मेरा बेटा नाच रहा है, ऐसे वो बैठ के बोलते रहते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं वो। अवार्ड्स एंड प्राइजेस आर ऑल्सो गिवन टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बाय द चीफ गेस्ट, यानी कि जो मेरिट आते हैं, गुणवान बच्चे जो होते हैं, अच्छे मार्क ला के जो पास करते हैं, उन बच्चों को इस दिन में क्या है, जो मेन चीफ गेस्ट हम बुलाते हैं उनके हाथ में इनको प्राइज दिया जाता है, अवार्ड उनको मिलता है। वी ऑल वर्क हार्ड विद आवर टीचर्स टू मेक दिस डे अ सक्सेस, तो हम सब मिल के यानी कि सारे बच्चे मिल के हार्ड वर्क करके है ना, टीचर्स के साथ मिल के इस दिन की सफलता के लिए सब अच्छे काम करते हैं और फिर बहुत अच्छे से यानी कि टीचर्स जो बोलते हैं उसको बच्चे सुन के सारे काम वो करते हैं और सचमुच में लास्ट में क्या होता है, उनके लिए एक सक्सेसफुल डे हो जाता है। सेलिब्रेशन एंड कम्युनिटी सिंगिंग इन द स्कूल आर ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, तो ये जो हमारी जो सेलिब्रेशन और कम्युनिटी सिंगिंग जो होती है ये स्कूल में बहुत इम्पोर्टेंस दृष्टिकोण में रखा जाता है एजुकेशनल सिस्टम के लिए। स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, तो ये बच्चे को हम क्या करते हैं, इनका बढ़ोतरी हो है ना, उसके लिए हम उनको एनकरेज करते हैं और ये बच्चे पार्टिसिपेट लेते हैं और फिर सब कुछ दृष्टिकोण में रखते हुए इनका बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ये सारे कार्यक्रम को किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स डे और एनुअल फंक्शन को, विशेष तौर पर बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनका पढ़ाई में भी डेवलपमेंट हो और उनके जो भी है टैलेंट है वो बच्चे क्या है दिखा सके। तो बच्चों आपका जो ये चैप्टर 3 है क्लास 3 की सेलिब्रेशन इन द स्कूल, स्कूल में कैसे सारे हम सेलिब्रेशन किए, सब दोस्त मिलकर टीचर्स मिलकर है ना, हम सारे और हमारे पेरेंट्स को भी बुलाए हम, तो बहुत अच्छे से और आनंद पूर्वक के साथ हम ये सारे विषय को देखें। ओके आज के लिए इतना ही है और आगे हम आपका दूसरा चैप्टर देखेंगे, आप इसको अच्छे से देखना और अच्छे से आपकी बुक है तो बुक को भी आप पढ़ना है। ओके थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।